बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला की करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बट कढ़ाई मीट की, जो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर एक दफ़ा आप इसको खा लें तो आप इसको दोबारा ज़रूर खाएंगे, ये बहुत ही मज़े की बनेगी। इसके लिए हम लेंगे लैम्ब का 1.5 किलो मीट, और स्पाइसेस में हैं 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा कुटा हुआ, 1 गठी लहसुन की लेंगे हम, और थोड़ी सी हम हरी मिर्चें और सुरख मिर्च लेंगे, धनिया लेंगे और अदरक लेंगे। गार्निश के लिए 3 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे और साथ ही 2 बड़े प्याज लेंगे, 4 चम्मच क्रीम लेंगे, 1 कप के करीब दही लेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च लेंगे। सबसे पहले हम मीट को ऐड करेंगे और साथ ही इसके हम प्याज शामिल कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। आप चाहें टमाटरों की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश टमाटर इस्तेमाल किए हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस को ऐड कर देंगे और साथ ही अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1.5 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को। तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसका वेट करेंगे कि इसमें उबाल आ जाए। मीट को उबाल आ चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर की सीटी लगाएंगे। आप चाहें तो इसको नॉर्मल हांडी में भी बना सकते हैं। 10 मिनट के लिए हम सीटी को लगाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मीट हमारा तकरीबन गल चुका है। अब हम इसको पैन में निकाल लेंगे और इसका पानी भी खुश कर लेंगे, और साथ ही इसके हम इसमें 1/2 कप देसी घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बट कढ़ाई का टेस्ट देसी घी और बटर से ही आएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक को शामिल करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें दही को ऐड कर देंगे, इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच बटर को ऐड करेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, और साथ ही इसके हम 4 चम्मच फ्रेश क्रीम को ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें साबुत धनिया और गरम मसाले को ऐड करेंगे। आप चाहें तो इनका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साबुत धनिया और गरम मसाले का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखा आपने, बट कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इससे देसी घी और बटर की खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान और रोटी के साथ खाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको मीट की बट कढ़ाई कैसी लगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।